Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss unity of medicine according to Dr. Stuart Close. Dr. Stuart Close के according unity of medicine क्या है? तो start करते हैं. According to chapter number 5 from the genius of homeopathy by the Dr. Stuart Close. The genius of homeopathy ये Dr. Stuart Close की book है जिसमें chapter number 5 में उन्होंने unity of medicine को डिस्कस किया है. दिस टॉपिक डील्स विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथी दैट अ ह्यूमन बींग इज अ सिंगल यूनिट. अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथी जो ह्यूमन बींग है उसको एक सिंगल यूनिट कहा गया है. द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द वेरियस पार्ट्स ऑर्गेन और सिस्टम. ऑल पार्ट्स ऑर्गेन एंड सिस्टम वर्क इन अ कोऑपरेशन विद ईच अदर. जितने भी पार्ट्स है सिस्टम है ऑर्गेन्स है ये सब मिल के जो है ह्यूमन बॉडी बनाती है. ये सब सेपरेट नहीं है. नाउ नेक्स्ट वन द जीनियस ऑफ होम्योपैथी इस बुक में क्या दिया है. इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन देर आर द स्पेशलिस्ट ऑफ द वेरियस ऑर्गेन एंड सिस्टम. अगर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन मॉडर्न पैथी के अकॉर्डिंग हम देखें तो जितने भी ऑर्गेन है जितने भी पार्ट्स है सिस्टम है हर एक का अपना एक स्पेशलिस्ट होता है. नाउ नेक्स्ट वन देर आर द स्पेशलिस्ट ऑफ द हार्ट द लंग्स एंड द जॉइंट्स द गैस्ट्रो इंटेरिक सिस्टम द नर्वस सिस्टम जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एट्सेट्रा. मतलब कैसा दिया है द हार्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और अपना ऑर्थोपेडिक जितने भी है मतलब ये एक पार्ट और सिस्टम्स के अपने अपने स्पेशलिस्ट है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन द डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज सेज दैट द ह्यूमन बींग इज़ अ वंडरफुल मशीन क्रिएटेड बाई द अलमाइटी. डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज का यहाँ पे क्या कहना है कि जो ह्यूमन बींग है ये एक वंडरफुल मशीन है जिसको क्रिएट किया है गॉड ने. ऑल द पार्ट्स एंड ऑर्गेन हैव बीन अरेंज एंड पुट टूगेदर टू वर्क इन अ कोऑपरेशन विद ईच अदर. जितने भी पार्ट्स है ऑर्गेन है ये वेल अरेंज्ड है और दोनों के कोऑपरेशन से ही ह्यूमन बॉडी बनती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन दैट द पर्सन्स रिमेन इन हेल्दी कंडीशन. ये जो क्योंकि देखो इसमें कैसा है जो भी पार्ट्स ऑर्गेन एंड सिस्टम है इसके कोऑपरेशन से पर्सन जो होता है एक हेल्दी कंडीशन में होता है. नाउ नेक्स्ट वन बट इफ द समथिंग गोज रॉन्ग इन वन पार्ट और ऑर्गेन अदर पार्ट एंड ऑर्गेन ऑल्सो गेट अफेक्टेड सो द पर्सन एज अ होल गेट इन्वॉल्व. देखो क्या दिया है यहाँ पे कि अगर कोई भी एक पार्ट या सिस्टम या ऑर्गेन जो है वो डिस्टर्ब होता है तो दूसरे ऑर्गेन एंड पार्ट भी अफेक्टेड हो जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो पर्सन है अगर वो बीमार होता है तो वो पूरा होल अफेक्ट होता है ना कि पर्टिकुलर पार्ट्स एंड ऑर्गेन जो है वो अफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट वन व्हेन वी प्रूव अ मेडिसिन ऑन प्रूवर द मेडिसिन अफेक्ट द वाइटल फोर्स एंड प्रोड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स. जब हम मेडिसिन प्रूव करते हैं प्रूवर पे तो वहाँ पे वाइटल फोर्स जो है वो अफेक्ट होता है एंड साइन एंड सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है. नाउ नेक्स्ट वन द एक्शन ऑफ द मेडिसिन इज वन ऑन द प्रूवर एज अ होल एंड नॉट हिज पार्ट और ऑर्गेन. जो मेडिसिन है वो एक्ट करती है पूरे पर्सन्स पे पूरे मतलब जिस पे हमने प्रूव किया है वो प्रूवर पे पूरा अफेक्ट करती है एक्ट करती है. ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट या ऑर्गेन को पे अफेक्ट कर रही है. नाउ नेक्स्ट वन टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन द अबव पॉइंट्स डॉक्टर क्लोज सेज दैट क्योर टेक प्लेस इन अ सिमिलर मैनर. जो ऊपर पॉइंट्स दिए हैं अगर डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने उसको कंसिडर करते हुए बताया है कि जैसा ऊपर के जो पॉइंट्स है उसमें दिया है कि ये कोऑपरेट करते हैं वैसे ही जो क्योर है सिमिलर मैनर में पेशेंट को क्योर करता है. नाउ नेक्स्ट वन वी गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट एज अ होल एंड नॉट फॉर हिज पार्ट और ऑर्गेन. हम जो मेडिसिन है पेशेंट को पूरा होल देते हैं ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट्स या ऑर्गेन के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन ईच इंडिविजुअल इज कंसिडर टू बी अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ईच मेडिसिन इज कंसिडर टू बी अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. देखो इसमें क्या दिया है कि हर इंडिविजुअल हर पर्सन जो होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से. ऐसे ही मेडिसिन जो होती है एक मेडिसिन जो दूसरी मेडिसिन से अलग होती है हर एक पर्सन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. अगर आप लोग इंडिविजुअलाइजेशन पढ़ेंगे आप लोगों को उसमें बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा. नाउ नेक्स्ट वन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द ईच पर्सन हैज़ टू बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन. इट मे बी अ डिफरेंट इन द सेम पर्सन एट द डिफरेंट टाइम. देखो अगर ससेप्टेबिलिटी देखें तो हर पर्सन की ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो अलग होती है.
और अगर देखें तो जो एक पर्सन है उसकी खुद की भी ससेप्टिबिलिटी जो है वो अलग होती है एट दी अदर टाइम, मतलब अगर वो हेल्दी कंडीशन में है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो बहुत हाई होगी, लेकिन अगर वो डिजीज़ कंडीशन में है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो लो होगी। तो ऐसे ही एक सिंगल एक सेम पर्सन की ससेप्टिबिलिटी भी जो है वो चेंज होती रहती है। नाउ नेक्स्ट वन, इट मे ऑल्सो डिफर इन द सेम पर्सन ड्यूरिंग दी हेल्थ एंड डिजीज़। नाउ नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट लाइक एज, सेक्स, टेम्परामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्यूपेशन, हैबिट, सीजन एट्सेट्रा शुड बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट। देखो क्या दिया है इसमें कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो पेशेंट की एज हो गया, सेक्स हो गया, टेम्परामेंट मतलब जो पेशेंट का मिजाज होता है वो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्यूपेशन, उसके हैबिट, फिर सीजन, ये सबको अगर हम कंसिडर करते हुए पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो हमको एक बेटर सिलेक्शन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, दिस विल हेल्प अस इन द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट पोटेंशियल ऑफ द पेशेंट। अगर हम पेशेंट के ये फैक्टर को कंसिडर करते हुए पेशेंट का केस लेंगे, केस हिस्ट्री लेंगे, तो हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी जो है वो करेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को हम इजिली परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।